नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम श्याम है, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन भाइयों के लिए जो ECM प्रोग्रामिंग का काम करते हैं और की प्रोग्रामिंग का काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, बर्ना फ्लूडिक का अगर आपको ECM प्रोग्राम करना है और अगर आपने ECM पुराना परचेज़ किया हुआ है तो उसका आपको पिन कोड चाहिए। बिना पिन कोड के आप ECM प्रोग्राम नहीं कर सकते। और एक आसान तरीका है जो शुरुआत में हम लोग यूज़ करते थे, वो तरीका ये था कि ECM को बिन नंबर के साथ ख़रीदते थे, बिन नंबर से पिन कोड लेते थे, पिन कोड से ECM न्यूट्रल करके गाड़ी के पिन कोड के हिसाब से हम ECM प्रोग्राम कर देते थे। लेकिन समस्या जब आती है, जब आपके पास ECM है लेकिन आपके पास बिन नंबर नहीं है, और जब लॉस्ट केस होता है की का, तो जो ये बर्ना फ्लूडिक का ECM है ये आपको बिन नंबर नहीं देगा। बिन नंबर नहीं देगा तो पिन कोड नहीं मिलेगा, पिन कोड नहीं मिलेगा तो ECM न्यूट्रल नहीं होगा और हमारा काम नहीं होगा। तो इस समस्या के लिए हम लोग ECM को खोल के इसे न्यूट्रल करते थे और वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था। तो दोस्तों, मेरे जितने भी भाई डायगजोन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। डायगजोन सॉफ्टवेयर की मदद से आप इस ECM को न्यूट्रल कर सकते हैं, इसका पिन कोड रीड कर सकते हैं और उसी पिन कोड का यूज़ करके आप इस ECU को आसानी से न्यूट्रल कर सकते हैं। ये फंक्शन पहले जो मैगे की प्रोग्रामर थे उनके अंदर था, लेकिन अभी धीरे धीरे करके सभी सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि इस ECM का पिन कोड हम लोग कैसे रीड करते हैं। ECM हमारा 840 नंबर है। तो दोस्तों, डिवाइस मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे मैंने कैनबॉक्स पे लगा के रखा हुआ है और स्मार्टर नहीं लगाया है, अकेला मैंने ECM लगाया हुआ है। अकेले ECM से ही आप पिन कोड रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। एक चीज़ और दोस्तों, इसके लिए आपको टैब को नेट से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यह मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कोई भी नेट कनेक्ट नहीं है, ये इसका पिन कोड ऑफलाइन ही रीड कर लेता है। सबसे पहले एक बार मैं आपको गाड़ी स्कैन करके दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि ECM बर्ना फ्लूडिक का है या नहीं, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोड हो रहा है। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, 16 पिन में जाना है और उसके बाद मैनुअली सिलेक्ट जनरल एरिया, स्क्रॉल डाउन कर दो, यहाँ पे जाओ आप बर्ना RVI 11 सेलेक्ट करता हूँ और ये होती है बर्ना हमारी 1.6। सिस्टम सिलेक्शन में जाऊँगा, ECM में जाता हूँ और उसके बाद जाता हूँ मैं मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन। यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये ECM एक्चुअल में किसका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इसका ID दे सकते हैं 3911 2A 840, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ECM बर्ना फ्लूडिक का है। यहाँ पर मैं इसे ओके कर देता हूँ और इमो में जाता हूँ, रीड डाटा स्ट्रीम, रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो आप अंत तक देखें, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है ये। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ECU स्टेटस लर्न्ड, की स्टेटस नॉट चेक्ड, स्मार्टरा स्टेटस नॉट चेक्ड, नंबर ऑफ लर्न कीज 2। इसका मतलब ये है कि ECM के अंदर दो चाबी स्टोर्ड हैं, स्मार्टरा नहीं लगा है, इसकी वजह से ये वाला कॉलम और ये कॉलम दोनों के दोनों नॉट चेक आ रहे हैं। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ECM हमारा बर्ना फ्लूडिक का है। अभी हम लोग वापस आते हैं, से एंड करता हूँ और उसके बाद आपको जाना है रीसेट वाले फंक्शन में। यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है ईमू में, यहाँ से आपको प्रेस करना है ओके। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। एरर आता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं।
थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-4 सेकंड का वार्निंग आएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज करना है हुंडई, हुंडई ओके। रीडिंग व्हीकल इंफॉर्मेशन, प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे अपन। तो दोस्तों ये कनेक्ट हो चुका है, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एंटी थेफ्ट स्मार्ट की रिमोट कंट्रोल मैचिंग, दूसरा होगा रीडिंग पासवर्ड। तो हमारा मेन मोटो है पासवर्ड रीड करना, तो हम लोग रीडिंग पासवर्ड में जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मैनुअली मैनुअल सेलेक्ट मोड, दूसरा होगा सिस्टम मोड। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिस्टम मोड, क्योंकि अगर आप मैनुअल सिस्टम मोड में जाएंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके बाद अगेन आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, जनरल जैसे सेलेक्ट किया फिर से गाड़ी सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो बेहतर तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ, आप जाइए सिस्टम मोड में। उसके बाद ये तो हम सभी को मालूम है कि इसके साथ आईडी 46 आती है, और यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ये ऑप्शन मिल जाता है रीडिंग पासवर्ड 46 मैनुअल की। तो इसी पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक वार्निंग आएगा, इन केस ऑफ फेलियर टू रीड द पासवर्ड डॉट डॉट डॉट। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। इग्निशन ऑन करने के लिए बोलेगा, इग्निशन ऑन, इंजन ऑफ। इंजन तो है ही नहीं, तो इंजन तो ऑफ ही है, इग्निशन ऑन पहले से ही था। यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ और दोस्तों फाइनली हमारा पासवर्ड रीड होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परसेंटेज चलेगा लगभग 100%, जिसमें आपका 2 मिनट का टाइम लग सकता है, 2-3 मिनट का, और डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, उसके ऊपर भी इसका जो स्पीड है वो डिपेंड करेगा, तो वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31% हो चुका है और लगभग 100% ये होने वाला होगा, उसी वक्त तक ये पासवर्ड रीड कर लेता है। तो इस स्टेप पर आके आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली वेट करना है। और माफ़ी चाहूँगा, आज का वीडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं है, एक्चुअल में नाइट है तो ये वीडियो मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ, दिन में थोड़ा मैं बिजी था, तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन अपना काम होना चाहिए। तो दोस्तों रीडिंग चल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें काफ़ी बेहतर है और काफ़ी यूज़फुल रहेगा, स्पेशली उन भाइयों के लिए जिनके पास कोई दूसरा की प्रोग्रामर नहीं है, अकेला वो डायग्जू सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और जिनके पास ज़्यादातर अपनी इंडियन गाड़ियां आती हैं, तो उनके लिए ये बहुत आसान और अच्छा फंक्शन है, उन्हें पासवर्ड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बच जाएंगे उनके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, 100% होने पर जैसे ही 100% होने वाला होगा, लगभग उसी टाइम पर ये पासवर्ड निकाल लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 311370, ये इसने पासवर्ड इसका निकाल दिया। यहाँ पर मैं करता हूँ ओके, 311370। तो दोस्तों इस तरीके से बड़ी आसानी से आप पासवर्ड निकाल सकते हैं, और इस पासवर्ड का यूज करके आप ECM को न्यूट्रल कर सकते हैं और ECM को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर की जा सके। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, इसी टाइप के टेक्निकल वीडियोज़ मैं आए दिन YouTube पर अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।